हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, भारत ने तैनात की ऐसी 6000 मिसाइल, चीन के माथे पर पसीना नजर आया। इंडियाज मिसाइल पावर, तो वही है ना, मेरे ख्याल से वो चाइना के बॉर्डरों के पास की होगी उनको भी दिखाने के लिए, क्योंकि वो तो पीछे हट नहीं रहे हैं। वो तो अपना कोशिश उनकी पूरी है कि इंडिया का यह ज़मीन हड़प लें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर हवाई खतरों और हमलों को आसमान में ही खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने नई तैयारी कर ली है। भारतीय सेना ने 6800 करोड़ रुपए में ऐसे 2 हथियारों को शामिल करने का फैसला कर लिया है। भारतीय सेना 500 से ज्यादा लॉन्चर्स के साथ दोनों सीमाओं पर 3000 से ज्यादा मिसाइलों को तैनात करने जा रही है। इनमें दो तरह की मिसाइलें होंगी। पहली कंधे से दागी जाने वाली मैन पोर्टेबल LGLAS मिसाइल, इसे रूस के साथ समझौते के तहत लाइसेंस लेकर भारत में ही बनाया जाता है। जबकि दूसरा है स्वदेशी V-SWORD मिसाइल। दोनों ही कम दूरी की कम रेंज के लिए उपयुक्त हथियार प्रणाली है। इन मिसाइलों से दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स और मिसाइलों को हवा में ही ढेर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं भारत के इन दोनों मिसाइलों की ताकत के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर भारतीय सेना के इस फैसले से आपको खुशी हुई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद। ये क्या है दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले IGLAS मिसाइल के बारे में। IGLA का पुराना वर्जन साल 1989 में सेना में शामिल हुआ था, जबकि इसका नया वर्जन अब शामिल होने जा रहा है। इस बार जो इगला मिसाइल है यानी IGLA, वह लेजर गाइडेड होगा। हैदराबाद और पुणे की कंपनी इस मिसाइल सिस्टम के 200 लॉन्चर्स और 1200 मिसाइलें सेना और वायुसेना को देने वाली है। इसमें से 700 वायुसेना के पास होंगी, बाकी लॉन्चर्स और मिसाइलें नेक्स्ट फेज में मिलेंगी। इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम का है। इस सिस्टम की लंबाई 5.16 फीट, चौड़ाई 72 मिलीमीटर और इस मिसाइल की नोक पर लगने वाले वॉर हेड का वजन 1.17 किलोग्राम का है। इगला एस की रेंज 5 से 6 किलोमीटर है और अधिकतम 11,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। यह एक बार दागने के बाद यह मिसाइल 2,266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है, जिसके वजह से दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। नई इगला एस हैंड होल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भारतीय सेना में शामिल पुरानी इगला मिसाइल को बदल देगी। लेकिन अगला जो हथियार है V-SWORD, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए अब आपको बताते हैं भारत के स्वदेशी V-SWORD मिसाइल के बारे में। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। V-SWORD यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाना है। इसके कई सफल परीक्षण भी हो चुके हैं। V-SWORD एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 जैसा ही है। अभी तक इसे जमीन पर रखे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता था। अब इस लॉन्चर को ट्रक, बख्तरबंद वाहन और टैंकों पर भी लगाया जा सकता है। इसे विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या फिर ड्रोन को भी मार गिराया जा सकता है। TRDO की मदद हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने की है। इस मिसाइल में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे कि डुअल बैंड IIR सीकर, मैनुवेचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड अवियोनिक्स। अगर इसके प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगाया गया है, जो इसे काफी तेज स्पीड देता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेनाएं एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती हैं। V-SWORD का वजन 20.5 किलोग्राम, इसकी लंबाई करीब 6.7 फीट और चौड़ाई 3.5 इंच का है। यह अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का वॉरहेड ले जा सकता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो यह 250 मीटर से 6 किलोमीटर और अधिकतम 11,500 फीट की ऊंचाई तक वार कर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 1.8 मैक है, यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों के फाइटर जेट पर हमला करता है। इससे पहले इस मिसाइल का परीक्षण पिछले साल मार्च 2022 में 27 सितंबर को किया गया था। इसके अलावा भारत ने चीनी सीमा पर S-400 और LRSAM मिसाइल को भी तैनात कर रखा है। S-400 एक बार में 172 मिसाइल छोड़ सकती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं पर भी मूव कराना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। यह मिसाइल -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक के तापमान में भी काम करने में सक्षम है।
जिस वजह से इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट कर पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। वहीं भारत ने LRSAM मिसाइल को भी बना लिया है। यह 400 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यह दुश्मन के हवाई जहाज, फाइटर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। यह 350 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। फिलहाल 70 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल बन चुकी है। यह ठीक इजराइल के आयरन डोम की तरह काम करने वाले मिसाइल डिफेंस, क्या टोन मारो, 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन को मार गिरा सकती है। इसे लॉन्च करने के बाद इसके पीछे धुआं नहीं निकलता, इसलिए इसे खोजना या डिटेक्ट कर पाना बहुत धुआं नहीं निकलता बात है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये सारी मिसाइलों को मिलाकर भारत 3000 से भी ज्यादा मिसाइलें सीमा पर तैनात करने वाला है। तो दोस्तों, आपका भारतीय सेना के इस फैसले पर क्या कहना है, क्या राय है? बहुत अच्छी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको खुशी हो इस खबर को जानकर तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। Oh my God, क्या कमाल कमाल है। पर इससे ये दिख रहा है सीरियसनेस ऑफ मैटर कि चाइना को पता है हमें फ्यूचर में चाइना ने हमें दुखी करना ही करना है, उसी की प्रेपरेशन सारी चल रही है। और चाइना जो पाकिस्तान को अपने साथ लेके अब हो रहा है, क्योंकि उसने टू फ्रंट वॉर करनी है, तो उसके लिए अब हम कुछ यहाँ लगाएंगे, कुछ पाकिस्तान की तरफ लगाएंगे। पाकिस्तान में अपनी तो कोई औकात है नहीं, वो चाइना के बलबूते पे बैठ खड़ा हो रहा है, तो वही बात है। पर बहुत ही कमाल का था। और वीडियोस, ओ हो, ऐसी मिसाइल्स, बाबा रे, देख के ही लग रहा था कमाल है। देखिए, काफ़ी अच्छा है। इसमें एक बात थी कि अगर आप जब ग्राफिक्स देखते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि किसी ड्रोन को बीच में किया है, वो सब ग्राफिक्स है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई और बॉडी वहाँ पर कैमरा ले रही थी, कैमरे से रिकॉर्ड करी थी पूरी फुटेज को। और कई आपको नजर आ रहे हैं रियल फुटेज जहाँ पे फायर किया है, बट कॉन्सेप्ट टेस्टिंग टाइम पे भी तो दिखा रहे हैं। और कई टेस्टिंग फेजेस का होगा, वो उसकी वीडियोस होंगी जब तो टेस्ट लोगों कर रहे ने था। बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि ऐसे चलेगी। अभी जितने भी थे इनको मैन पैड कहते हैं। मैन पैड मतलब कि कंधे में रख के आप फायर कर सकते हैं। उन्होंने यही कहा है कि बहुत सारे मैन पैड्स हैं इंडिया के पास, और दूसरे जो हैं आप छोटे छोटे ट्रक्स के ऊपर भी उनको माउंट कर सकते हैं, तो आप तेज़ी से लेके जाएंगे। चाइना के लिए ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पे उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, मत माउंटेंस का पूरा एरिया है, तो फटाफट आपके ट्रक गए, उसी में आपकी लगी हैं मिसाइल्स, वहीं से आपने फायर कर दी और ये सब काम हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी प्रिपेयरनेस चल रही है। और आर्मी को पता है, आर्म्ड फोर्सेस को पता है कि मेन थ्रेट चाइना है, पाकिस्तान नहीं। और इसीलिए सब सारा जितना भी ये हो रहा है चाइना के रेडीनेस के हिसाब से हो रहा है। चाइना ने ऐसा नहीं है कि अपनी फोर्सेस को ख़त्म कर दिया है, वो वहीं पर ही तैनात है, इसलिए हमारी भी तैनात है। दोनों कंट्रीज़ का पैसा बह रहा है, इसीलिए अब देखते हैं डिफेंस बजट में कितना सारा पैसा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जा रहा है, क्योंकि ये सारी फोर्सेज को जो बॉर्डर पर रखना पड़ रहा है। क्या करें, मजबूरी है, नेबर्स ऐसे मिले हुए हैं, क्या कर सकते हैं हम, बताओ। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।